हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास आई टी मेंबर। आज हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 स्टार्ट करने से पहले दो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लीजिए पहले इसको। x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। दूसरा है x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इसी फॉर्मूला पे आपका 3e लेसन पूरा बनेगा। चलिए अब एक्सरसाइज में प्रवेश करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट में 3x प्लस 2 का होल क्यूब एक्सपेंड करके लिखाता है। एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड मतलब वो फॉर्मूला पर लिखना है हमको। तो इसको x प्लस वाई का होल क्यूब मान लीजिए, तो x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है, अभी जस्ट लिखाए हैं, हाँ, x क्यूब मतलब ये पूरा को x मानेंगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy 3 into 3x into 2 into x plus y मतलब 3x plus 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका क्यूब 3 3 9 27 हो जाएगा, 27x cube प्लस 2 2 4 2 8 हो जाएगा प्लस 3 3 9 18x 18x इंटू 3x plus 2। ये इंटू में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27x cube plus 8 प्लस ये हो जाएगा 18 54 54x square प्लस 18 36x आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हमको फॉर्मूला बैठा के उसको पूरा सॉल्व करना है। ये फर्स्ट नंबर का बताएं, फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है, एक हम बताएं, 2 आपके लिए है। आप चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, ये भी एक्सपेंड ही है लेकिन यहां पर माइनस दे दिया, 5a - 3b का होल क्यूब x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू, जस्ट लिखाए थे हम, क्या होगा 5a का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 3b का होल क्यूब माइनस 3 into 5a into 3b into 5a plus minus 3b। माइनस वाला सब माइनस हो जाता है, सॉल्व कर दीजिए अब इसको, ये हो जाएगा 125a cube minus 27b cube माइनस ये हो गया 5 3 15 45 45 ab 45 ab इंटू 5a - 3b। फिर चलेंगे 125a cube 27b cube, इसे करेंगे 45 5 कितना 5 2 5 20 2 22, इतना ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 6 15 1 13 135 ab² 5 6 15 1 13 ab² यह हो गया मेरा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी 3 दिया हुआ है, एक हम लिए हैं, 2 आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, फैक्टराइज है, दिया हुआ 8a³ + 27b³ + 36a²b + 54ab² अभी जस्ट निकाले थे a प्लस बी का होल क्यूब का मान निकाले थे हम, अब मान दिया है हमको उस फॉर्म में बैठाना है, तो कैसे बैठाएंगे सो देखिए फॉर्मूला के हिसाब से। यहाँ 8a³ है, लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस यहाँ 27b³ है तो 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस में है प्लस 3 into 2a into 3b
सबको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तीन दोनों छ, छ तीन अठारह, और थ्री ए स्क्वायर भी, सॉरी थ्री ए स्क्वायर भी, तो दो दो चार दिया बारह, बारह दिया छत्तीस, छत्तीस ए स्क्वायर भी हो जाएगा आ गया। और उसके बाद प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो ए है टू ए इंटू थ्री बी का स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई करके चौवन ए बी स्क्वायर हो जाएगा। मैं फॉर्मूला पर बैठा दिए हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। अभी जो आपको फॉर्मूला बताया हम, ए प्लस बी का होल क्यूब, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू एक्स, एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब उसके बाद प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो वो इंटू जो था उसको तोड़ेंगे तो उसका दो फॉर्मूला लिखा जाता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। उस पर फॉर्मूला बैठा दिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया ये क्या, टू ए प्लस थ्री बी का होल क्यूब, होल क्यूब का ये फॉर्मूला होता है, ये फैक्टराइज में मेरा ये आंसर हो गया, होल क्यूब हुआ। इसको तीन बार लिखिए या क्यूब रख दीजिए, बस हो गया। केवल आपको बैठाना है फॉर्मूला पर, उसके बाद यहाँ पर डेट उसका अमाउंट बैठा देना है, समझ गए। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर टेन में, क्योंकि ये सब एक जैसा है इसलिए सीधा क्वेश्चन नंबर टेन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन में दिया हुआ है, टेन का फर्स्ट 103 का होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 का होल क्यूब 103 को, तो ये कौन सा फॉर्म में आ गया, तो ए और बी, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर, फॉर्मूला तोड़ दीजिए क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। मान निकालेंगे इसका, सौ गुना सौ गुना सौ, दो दो चार छ जीरो, चार दो छ तीन चार पाँच छ जीरो, प्लस तीन तीन नौ, प्लस ये हो जाएगा 1000, एक पर चार जीरो, तीन 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 नौ, नौ पर चार जीरो, प्लस इसको करेंगे तो 300, नौ तीन तीन नौ, नौ तीन 2700, 2700 सबको ऐड कर देना है, 9 सेकेंड नंबर में 0, थर्ड नंबर 7, 2 4 चला गया, फिर 9 2 4 5 2 4 5 0 1, ये हो गया मेरा आंसर। इसी प्रकार से फॉर्मूला पर बैठा के आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। आज 3E खत्म हो गया मेरा, 3E में मात्र 10 तक क्वेश्चन है, ये है जिसमें कि आपको हम चार बता ही चुके हैं, छह बनाना है आपको अपने से। उसके बाद चालू होगा 3F होमवर्क, देखिए 3F का कुछ फॉर्मूला बता देते हैं आपको। चलिए होमवर्क लिखिए, क्वेश्चन आंसर 1 to 10 नेक्स्ट ऑल, जो कि पेज नंबर है 123, ठीक है। ये 3E खत्म हो गया है चैप्टर पर बनाने के बाद, नेक्स्ट चैप्टर में हम चलते हैं। अभी जस्ट पढ़े हम दो फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब और दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब। अब नेक्स्ट फॉर्मूला मेरा आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला लिखा देते हैं। फर्स्ट नंबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और
दूसरा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूला पर नेक्स्ट चैप्टर बनेगा। नेक्स्ट चैप्टर बनाने समझाने से पहले आपको बता दे, ये चैप्टर खत्म होने के बाद आप इसका एग्जांपल पहले पूरा कंप्लीट कीजिएगा, फिर दूसरा एक्सरसाइज हम दूसरा वीडियो में डालेंगे। ओके, थैंक यू।